हेलो गाइस, वेलकम टू कीवी किचन किंग। आज हम मूंगफली के अप्पे बनाएंगे। ज्यादा ऑयली नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक कटोरी साबूदाना, 2 घंटे पहले हमने इसे पानी में भिगो के रख दिया था, अभी फूल गए हैं। आधी कटोरी दही, आधी कटोरी मूंगफली, इसे हमने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। एक बॉईल आलू, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। और एक छोटी कटोरी सिंगाड़े का आटा, 1 चम्मच सेंधा नमक, हरी धनिया पत्ती, हरी मिर्च। अब हम बाउल में साबूदाना डालेंगे, आलू, दही, मूंगफली, सिंगाड़े का आटा, सेंधा नमक, हरी धनिया पत्ती और हरी मिर्च। एक चम्मच भुंजा जीरा। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए इसमें सेंधा नमक डाले हैं। अगर आप नॉर्मल बनाएं तो उसमें सफेद नमक या फिर काला नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम अप्पे का पैन रख देंगे मीडियम फ्लेम पर हीट होने के लिए। इसमें हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम हैंड में ऑयल लगाकर इसकी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए रेडी हो गई। अब इसे अप्पे स्टैंड में रख देंगे। इस तरह सारे बना के रख लेंगे। ये हमने सभी में रख लिया है। अब इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट बाद इसे टर्न करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम हटा के देखेंगे। ऊपर साइड ब्रश से ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे। सेम इसी तरह दूसरे साइड से भी कुक होने देंगे और इसे अब कवर कर देंगे। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरह से कुक हो गई। दोनों साइड से कलर आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे रेडी हो गए हैं साबूदाना के अप्पे। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। एकदम सॉफ्ट है, व्रत के हैं। अगर आप नॉर्मल बनाएं तो इसे चटनी के साथ या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।